हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम खड़े हैं फोर व्हील ड्राइव ऑफ रोड जीप सीजे लाइक एसयूवी के सामने, जिसका नाम है महिंद्रा थार। अक्टूबर 4, 2010 को लॉन्च हुई थी सबसे पहले इंडिया में। तीन वेरिएंट्स में आती है, डीआई टू व्हील ड्राइव, डीआई फोर व्हील ड्राइव और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सीआरडी वर्जन जो आता है फोर व्हील ड्राइव में। एंड उसका प्राइस पड़ता है 11,12,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली में। महिंद्रा थार लॉन्च हुई थी टू रिप्लेस महिंद्रा MM540 और यहाँ मिलता है आपको साइड टर्न इंडिकेटर और ये इसका बम्पर, क्लियर लेंस हेड लैंप्स, ये इसकी ग्रिल, यहाँ पे थार की एम्बॉसिंग मिलेगी और ये हेडलैम्प। इस वाली गाड़ी में एसेसरी सिर्फ एलॉय व्हील्स और टायर्स की लगी है और कोई भी एसेसरी नहीं लगी हुई है। एंड महिंद्रा थार हैज बीन वोटेड वन ऑफ द टॉप 10 SUVs अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। और यहाँ पे एसेसरी लगी है एलॉय व्हील्स और टायर्स की। ये जो एलॉय व्हील्स हैं इनका प्राइस है 55,000 रुपीज फॉर 5 एलॉय व्हील्स। 15 इंची के ये एलॉय व्हील्स हैं और यहाँ पे मिलता है टायर साइज 15 इंची का। स्टैंडर्ड टायर साइज सीआरडी में आता है 16 इंची का, यहाँ पे 15 लगा है जो पड़ता है 35,000 रुपये का आफ्टर एक्सचेंज। फ्रंट में मिलती है आपको डिस्क ब्रेक्स, पीछे मिलती है ड्रम ब्रेक्स, ब्लैक ORVMs, यहाँ मिलते हैं आपको दो वाइपर्स, दो वॉशर के साथ। महिंद्रा थार इज द बेस्ट ऑफ रोडर अंडर रुपीज 10 lakhs ड्यू टू सम रीजंस। पहला रीजन है ये बनी है रॉक सॉलिड बिल्ड पे जो किसी भी टेरेन को आसानी से झेल लेता है। दूसरा है इसका अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल। अप्रोच एंगल इधर मिलता है 44 degrees का एंड डिपार्चर एंगल है 27 degrees का। एंड हाई अप्रोच एंगल जो मदद करता है टू क्लाइंब डिफिकल्ट स्लोप्स। और यहाँ मिलते हैं आपको बिग व्हील आर्चेस जो स्पोर्टी लुक देते हैं गाड़ी को। ये इसकी सॉफ्ट कनोपी, हार्ड टॉप का भी ऑप्शन है, आप डीलर के द्वारा लगवा सकते हैं। ये इसका फ्यूल टैंक चाबी से ही खुलता है। ये इसका रियर प्रोफाइल लुक और यहाँ मिलता है एक रिफ्लेक्टर, उसके ऊपर है रिवर्स पार्किंग लाइट, टेल लाइट एंड ये इंडिकेटर। ग्राउंड क्लियरेंस इधर मिलता है 200 mm का। मिनिमम टर्निंग रेडियस है 5.75 meters। कर्व वेट है इधर 1,750 kilo का एंड ग्रॉस वेट है 2510। ये इसका एग्जॉस्ट नोट। एंड इसका तीसरा रीजन है रेट्रो जीप लुक्स, फ्रंट राउंड हेडलाइट्स, मल्टीपल स्लैट ग्रिल्स एंड बॉक्सी डिजाइन जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग डिजाइन है और वो मिलता है जीप रैंगलर में जो इससे 7 times एक्सपेंसिव है। और यहाँ मिलती है आपको थार सीआरडी की बैजिंग, एक ही वेरियंट आता है सीआरडी में। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर और ये लाइट्स, ये स्टील बम्पर। एंड इसका चौथा रीज़न है इसका न्यू मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल जो सिंक्रोनाइज करता है रोटेशन ऑफ व्हील्स को, जिससे मदद मिलती है ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हील स्पिनिंग में जो ऑफ रोडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये इसका स्पेयर व्हील टायर, आइए बूट खोल के देखते हैं। और यहाँ मिलती है आपको दो जंप सीट्स फेस टू फेस, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है 600 लीटर्स का बूट स्पेस और ये फुटस्टेप, आइए अंदर चलते हैं गाड़ी के। एंड एसेसरी में आप हार्ड टॉप भी लगवा सकते हैं मेटल और फाइबर में डीलर के द्वारा। एंड इसका पांचवा रीजन है इसका डुअल टोन इंटीरियर। पहले बहुत बेसिक इंटीरियर मिलता था, अब आपको मिलता है डुअल टोन 3-spoke स्टेयरिंग व्हील। अब प्रोविजन भी मिलता है आपको 2-DIN ऑडियो सिस्टम या टच स्क्रीन के लिए और इधर मिलता है 2 cup holders और ये सब फिक्स्ड है। और यहां मिलते हैं फ्रंट रो के लिए सीट बेल्ट, ये ड्राइवर साइड और वहां पे है पैसेंजर साइड सीट बेल्ट, रिमूवेबल कैनोपी, ये भी बहुत वाइटल फीचर है महिंद्रा थार में। और इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको यूज नहीं करनी है, इससे और बूट स्पेस मिल जाता है आपको महिंद्रा थार में। स्टैंडर्ड बूट स्पेस है इधर 600 लीटर का। और यहाँ मिलती है बैक पॉकेट पैसेंजर साइड सीट पे, यहाँ पे नहीं है। एंड फ्रंट रो में मिलते हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं और इसको आप चेन से बंद कर सकते हैं। और इधर कोई लॉक या अनलॉक का बटन नहीं मिलता है आपको। और यहाँ पे मिलती है आपको 4x4 की बेजिंग लेफ्ट हैंड साइड पे,
ये व्हील आर्चेस। एंड सस्पेंशन की बात करें तो आपको आगे मिलता है फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद टॉर्शन बार एंड स्टेबलाइजर बार, पीछे मिलता है आपको सेमी एलिप्टिकल लिप स्प्रिंग विद शॉक एब्जॉर्बर्स, आउटसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर में, नीचे क्रोम का काम है, और यहाँ मिलता है डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, इनसाइड डोर हैंडल, ये मैनुअल विंडो, सब ब्लैक कलर में मिलते हैं आपको, ये एसी वेंट सिल्वर फिनिश के साथ, और ये साइड फुट स्टेप्स, और ये है लॉकेबल ग्लव बॉक्स, कोई इल्यूमिनेशन नहीं मिलती है आपको, ठीक ठाक स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे, लॉकेबल ग्लव बॉक्स। आइए इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ मिलता है ग्रैब हैंडल क्रोम फिनिश के साथ पैसेंजर साइड पे, डुअल टोन इंटीरियर, और ये इसका पेंट क्वालिटी, फेरी ब्लैक कलर है ये, और ये लॉक अनलॉक का बटन, ये भी रग्ड है एसयूवी की तरह, बहुत ही हार्ड बटन है ये। और यहाँ पे है थार सीआरडी की बेजिंग लेफ्ट हैंड साइड पे, पीछे भी मिलती है आपको ब्लैक ORVMs, बॉडी कलर नहीं मिलते आपको, ये इसकी विंडशील्ड, लिव यंग लिव फ्री का स्टिकर, ये महिंद्रा की बेजिंग आगे मिलती है आपको पीछे नहीं, ये इसका रूफ रिमूवेबल कनोपी के साथ आता है महिंद्रा थार सीआरडी वर्जन, और ये इसका साइड प्रोफाइल लुक। एंड डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ लेंथ मिलती है 3920 mm की, वेट है 1726 mm की, हाइट है 1930 mm, एंड व्हील बेस इधर मिलता है 2430 mm का। ये इसका साइड प्रोफाइल लुक, काफ़ी शानदार लग रही है ये अलॉयज इस गाड़ी पे, फेरी ब्लैक कलर पे। इसके अलावा आपको कलर ऑप्शन में मिल जाते हैं रेड रेज मिस सिल्वर डायमंड वाइट एंड रॉकी बेज कलर, टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको महिंद्रा थार सीआरडी पे। ऑटो लॉकिंग हब्स एंड डिजिटल इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको महिंद्रा थार में, डुअल एयरबैग्स या ABS का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। एंड इसका 6th रीजन है इसका रिमूवेबल कनोपी का फीचर, महिंद्रा प्रोवाइड करता है परफेक्टली फिनिश्ड कनोपी जिसको आप उतार भी सकते हैं फॉर द रियर सेक्शन कुछ स्टेप्स फॉलो करके, और आप कस्टम मेड कनोपीज भी लगवा सकते हैं डीलर के द्वारा या बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया फाइबर और मेटल में ऑप्शन मिल जाते हैं डीलर के थ्रू। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है इसका फ्यूल टैंक, की से ही खुलता है गाड़ी के अंदर, और कोई लीवर नहीं है फ्यूल टैंक खोलने के लिए, ये इसकी कीज स्टैंडर्ड कीज मिलती है आपको 2, इससे आप फ्यूल टैंक खोल सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको 60 लीटर्स की, 60 लीटर्स का आप डीजल भरवा सकते हैं एक बारी में। आइए ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं, यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग है आउटसाइड डोर हैंडल पे, ये स्टैंडर्ड है, ये डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, और यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, इनसाइड डोर हैंडल, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा थार सीआरडी की, और ये मैनुअल विंडो, और यहाँ पे हेडलैम्प बीम एडजस्टर का नॉब, एसी वेंट, टोटल 4 एसी वेंट्स मिलते हैं आपको महिंद्रा थार में, और यहाँ पे है 2 डमी बटन्स, और ये इसके पेडल्स, और यहाँ पे है इंजन बे खोलने का लीवर, डुअल टोन इंटीरियर ब्लैक एंड बेज, और यहाँ सीट्स मिलती है आपको लेदर में, ये ऑप्शनल है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इन सीट्स की, कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, कंफर्टेबल सीट्स। और इसका 7th रीजन है एसी विद हीटर, पहली बारी थार में एसी भी नहीं आता था, यहाँ मिलता है आपको एसी विद हीटर विद रियर डिफॉगर, एंड ये एसी का नॉब, और यहाँ मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। और इसका 8th रीजन है इसका बोग वॉर्नर मैनुअल शिफ्ट 4-व्हील ड्राइव सिस्टम विद हाई एंड लो रिडक्शन गियर, जो हेल्प करता है टू टैकल टफेस्ट टेरेन्स एंड मेंटेन करता है ट्रैक्शन कंट्रोल को, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है ऑफ रोडिंग में। और इधर मिलता है 12 वॉट का पावर एसेसरी सॉकेट टू चार्ज मोबाइल फोन्स एंड अदर डिवाइसेस, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर। और यहाँ मिलता है 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ये हैंड ब्रेक, उसके नीचे स्पेस मिलता है आपको वॉलेट या मोबाइल फ़ोन रखने के लिए, पीछे है 2 कप होल्डर, रियर एसी वेंट्स का ऑप्शन नहीं मिलता आपको महिंद्रा थार में,
लॉकेबल ग्लव बॉक्स, ग्रैब हैंडल, ये थार के एम्बोजिंग है, प्रोविजन दिया हुआ है टच स्क्रीन सिस्टम या टू डेन ऑडियो सिस्टम के लिए, इस सन वाइजर पे वैनिटी मिरर या लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, IRVM एडजस्टेबल नहीं है एंड ड्राइवर साइड के सन वाइजर पे टिकट होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है, और ये इसका स्टेयरिंग व्हील, 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग भी मिलती है आपको, महिंद्रा के एम्बोजिंग, और यहाँ पे है लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे है वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स, ये हैजार्ड लाइट का बटन, ये एसी वेंट, 4 एसी वेंट मिलते हैं आपको टोटल महिंद्रा थार में, और ये इसका डैशबोर्ड, डुअल टोन इंटीरियर है, सिल्वर फिनिशिंग का काम है, पहले से काफी अच्छा इंटीरियर है महिंद्रा थार CRDE का, और रीडिंग लाइट यहाँ पे मिलती है आपको, एक रीडिंग लाइट मिलती है पूरी गाड़ी में, काफी ब्राइट है ये, रिमूवेबल कनोपी, और कुछ ऐसा दिखता है पीछे का लुक ड्राइवर साइड से। आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, और इसका 9th रीजन है इसका न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 3-पॉट क्रोम लाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एनालॉग स्पीडोमीटर, डिजिटल ऑडोमीटर, RPM मीटर, फ्यूल गॉज, टेम्परेचर मीटर, काफ़ी शानदार लगता है ये इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और ये इसकी इल्यूमिनेशन लाइट रेड कलर में, AC नॉब, हैजार्ड लाइट एंड यहाँ पे 12 वॉट का पावर एसेसरी सॉकेट पे, और ये MID दिखाता है डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर की ड्राइवर इंफॉर्मेशन, 3-पॉट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद क्रोम लाइन, और ये है इसकी सेटिंग पोजीशन, ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको महिंद्रा थार CRDE में, सीट्स फिक्स्ड हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं आगे की, ऐसा कुछ दिखता है ड्राइवर सीट से, और इसकी हाई बीम LED लाइट्स का भी ऑप्शन है, एंड ये ORVMs जॉयस्टिक से आप एडजस्ट नहीं कर सकते, मैनुअली करना पड़ता है, और ये थार की मैटिंग, कुछ ऐसे लगती है ये, महिंद्रा थार की असेंबली होती है नासिक महाराष्ट्र में, इसका एक और वर्जन आता है महिंद्रा रॉक्सोर जो USA एंड कनाडा में सेल होता है, एंड रॉक्सोर की असेंबली होती है ऑबन हिल्स मिचिगन में, कंप्लीट नॉकडाउन किट से वो असेंबल होता है USA में फॉर USA एंड कनाडा मार्केट, साइड बाय साइड ऑफ रोड व्हीकल है महिंद्रा रॉक्सोर, और ये है महिंद्रा थार की फ्रंट लुक, पावर स्टेयरिंग का फीचर मिलता है महिंद्रा थार CRDE में, महिंद्रा थार CRDE में डिफरेंट इंजन आता है, अगर आप DI 2-व्हील ड्राइव या 4-व्हील ड्राइव लेते हैं तो आपको उधर डिफरेंट इंजन मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर्स चलने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं, और ये पीछे का लुक, स्पेयर व्हील टायर अलॉय व्हील के साथ, ये इसका रियर प्रोफाइल लुक, एसेसरीज में आप और भी अलॉय व्हील्स का ऑप्शन पा सकते हैं, ये अलॉय व्हील्स काफी शानदार लग रहे हैं इस कलर के साथ, 15 इंची के अलॉय व्हील्स हैं ये, और ये इसकी लुक, क्लियर लेंस हेडलैम्प ऑन होने के बाद विद साइड टर्न इंडिकेटर, राउंड शेप्ड हेडलैम्प, मल्टीपल स्लैट ग्रिल, बॉक्सी डिजाइन, काफी अपीलिंग लुक देता है महिंद्रा थार को इन इट्स प्राइस सेगमेंट, विंटेज जीप, क्लियर लेंस हेडलैम्प्स कुछ ऐसे दिखते हैं, एसेसरीज में आप LED या DRLs भी लगवा सकते हैं, उसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं, ये इसका रियर प्रोफाइल लुक, टेल लैंप्स ऑन होने के बाद विद साइड टर्न इंडिकेटर, आइए गाड़ी का इंजन बे खोल के देखते हैं, और इस लीवर से खुलता है इंजन बे महिंद्रा थार का, और इसका 10th रीजन है इसका पावरफुल 105 BHP डीजल इंजन एज कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल, NEF TCI CRDE डीजल इंजन है ये, 4 सिलेंडर का इंजन है, 105 BHP की पावर, 247 Nm ऑफ टॉर्क, 13 km/L की कंपनी माइलेज क्लेम करती है, 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आता है, 4-व्हील ड्राइव, अगर आप DI वेरिएंट लेते हैं 2-व्हील ड्राइव या 4-व्हील ड्राइव में, उसकी पावर मिलती है आपको 63 BHP की, 195 Nm ऑफ टॉर्क, जो काफ़ी लो है
फोर व्हील ड्राइव के हिसाब से, और कुछ ऐसा दिखता है ये इंजन, वेल प्लेस्ड इंजन महिंद्रा थार में। तो ये थे टॉप 10 रीजंस व्हाई महिंद्रा थार इज द बेस्ट ऑफ रोडर अंडर रुपीज 10 लाख। एंड इंजन बोनट खोलने के लिए आपको इस लीवर को भी हटाना पड़ता है, खोलते वक्त और बंद करते वक्त लगाना पड़ता है, ऐसी राइट हैंड साइड का लाइक दिस। एंड 2020 में इसका नया मॉडल लॉन्च होने वाला है विद न्यू इंजन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महिंद्रा थार फोर व्हील ड्राइव SUV? आप इसको लेना पसंद करेंगे नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।